2014 में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मामला अरवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014-10 एससी 473 वाले केस के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उस समय कोर्ट ने पिछले फैसले नवजोत संधू को ओवररूल कर दिया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को केवल सेक्शन 65 बी इंडियन एविडेंस एक्ट में बताए गए तरीके से ही रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है और उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए एक साथ में सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 बी पार्ट 4 इंडियन एविडेंस एक्ट दिया जाना जरूरी होगा। अनवर पीवी वाले फैसले के आने के बाद से जो गलत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में लाने लगे थे उन लोगों के लिए मुश्किलें शुरू हो गई थीं। तभी 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल अपील नंबर 142 ऑफ 2015 आया। इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 65 ए और सेक्शन 65 बी केवल तरीका बताने वाले सेक्शन हैं, इसलिए सर्टिफिकेट 65 बी पार्ट 4 इंडियन एविडेंस को दिया जाना अपने आप में अनिवार्य नहीं है। सर्टिफिकेट 65 बी के बिना भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगाया जा सकता है और प्रूव किया जा सकता है। ये किसने कहा था? ये टोमासो ब्रूनो वाले केस में कहा गया था। 2016 में भी ऐसा ही एक और फैसला आया, के नामाज्यम वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसमें कहा गया था कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 बी नहीं लगाया जा सका है तो कोर्ट में गवाही देते हुए वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का स्वामी जबानी बोलकर भी ऐसा सर्टिफिकेट दे सकता है। जरूरी नहीं कि कागज पर लिख कर लाए, वहीं बैठकर उसमें कोर्ट में आकर बोल सकता है। और जब ये सभी बातें चल रही थी तो उस समय एक और केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस निर्णय ने उन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में फाइल करने की इजाजत दे दी जिनका उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई वास्ता कभी नहीं रहा था। शफी मोहम्मद ने बिना सर्टिफिकेट के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट फाइल में लाने की इजाजत देने का काम किया था। और जब ये चारों तरफ एक कंफ्यूजन फैल गया था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हर साल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के परिणामों में से फैसलों में से कौन सा जजमेंट सही है, किस पर वो लोग विचार करें और किसके ऊपर यकीन करें, तो ऐसे में अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेज कैलाश कुशन राव गोरंटियाल एक केस आया। यह 3 जजों की बेंच का निर्णय था। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना केस था अनवर पीवी वर्सेज पीके बशीर, उस वाले केस के निर्णय को कानूनी रूप से सही बताया। और इसके साथ ही जो बाद में आए हुए केसेस थे, टोमासो ब्रूनो, के रामाज्यम, शफी मोहम्मद, इन सभी केसेस को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे निर्णय पर इनक्यूरियम हैं, अर्थात बिना सोच समझ के ही इनको दे दिया गया है। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं, वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है। और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। अर्जुन पंडित राव खोटकर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों पर विचार किया था जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पैदा करने वाला डिवाइस कोर्ट के सामने लाया नहीं जाता है। जिस मोबाइल से फोटो खींचे गए वह मोबाइल कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। जिस वॉइस रिकॉर्डर में आवाज को रिकॉर्ड किया गया वह वॉइस रिकॉर्डर कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है।
तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास प्रोड्यूसिंग डिवाइस मौजूद नहीं होता है तब आपको सर्टिफिकेट 65 भी दिया जाने की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कोर्ट में स्वीकार्यता के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सर्टिफिकेट 65 भी केस फाइल में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ लगाया जाना अनिवार्य होता है जो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए वहां होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में उस कंप्यूटर सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसमें वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पैदा किया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वह होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पैदा होता है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वह होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में आकर स्वीकार्य हो जाता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पैदा करने वाला ओरिजिनल डिवाइस उपलब्ध नहीं है वहां सर्टिफिकेट देने वाले पक्षकार को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सच्चाई और प्रमाणिकता तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस रूप में उस डिवाइस के अंदर स्टोर किया गया था और इसकी रिकवरी के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे इन सब बातों को ट्रायल के दौरान अवश्य ही साबित करना होगा। यदि कोई पार्टी यह नहीं बता पाई कि उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त किया, किस प्रकार से उसे एक्सट्रैक्ट किया, क्या सूचनाएं फीड की थी, ये सब तमाम बातें यदि कोई नहीं बता पाता है तो उस पक्षकार का वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। अर्जुन पंडित राव कोटकर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन सब बातों की जरूरत को स्पष्ट किया जब वह ओरिजिनल डिवाइस कोर्ट के सामने उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा ओरिजिनल डिवाइस? वह जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मूल रूप से उत्पादित हुआ था। उस हालत में सर्टिफिकेट 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट की महत्ता और उसको सिद्ध किए जाने की जरूरत बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देने वाली पार्टी उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित सारी बातों को कोर्ट में साबित करने के लिए बाध्य होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल के मुकदमों में सेक्शन 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए अलग से क्रॉस एग्जामिनेशन की तकनीकें विकसित की जा रही हैं, नए एडवोकेट्स भी कर रहे हैं और जो पुराने एडवोकेट्स हैं वो अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करके नए तरीकों को विकसित कर रहे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट में दे दिया जाना चाहिए। एक तरह से देखें तो यह शफी मोहम्मद वाले केस में कही गई बात का उल्टा था। उस बात को यहाँ ओवरऑल कर दिया गया था कि जजमेंट दिए जाने से पहले तक कभी भी यह सर्टिफिकेट 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट रिकॉर्ड पर दिया जा सकता है। यदि आरोपी भी चाहे तो कोर्ट की आज्ञा से अपने एविडेंस की बाबत यह सर्टिफिकेट 65 भी इंडियन एविडेंस दाखिल कर सकता है। इस प्रकार से वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर यही कानून सारे देश में चल रहा है जो पहले अनवर पीवी वाले केस में दिया गया था और बाद में उसे अर्जुन पंडित राव खोटकर के केस में रिपीट कर दिया गया है। एडवोकेट्स को कोर्ट में दाखिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मार से आरोपी को बचाने के लिए अपने क्रॉस को भी सुधारना होगा ताकि प्रोसिक्यूशन गवाह के सर्टिफिकेट में कमियां निकाली जा सकें। इसके लिए जब भी आप कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है, जिनमें से पहली बात है कि सेक्शन 65 बी के ऊपर गवाह को क्रॉस करते समय यह शब्द, कौन सा? सेक्शन 65 बी इंडियन एविडेंस एक्ट, इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। सामान्य नियम है कि गवाह से कानून का प्रश्न नहीं पूछा जाता है और जब प्रश्न ही नहीं पूछा जाता है तो उस कानून का नाम लेने का क्या औचित्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। दूसरा पॉइंट है, जिस डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उत्पादित हुआ है जैसे कैमरा, टीवी फुटेज, मोबाइल फोन आदि, इनके स्वामित्व को लेकर गहरी पड़ताल की जानी चाहिए। केवल डिवाइस का मालिक या उसका ऑपरेटर ही सर्टिफिकेट 65 बी इंडियन एविडेंस एक्ट को दाखिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, उपरोक्त डिवाइस का कानूनी रूप से प्रयोग किया जाना सेक्शन 65 बी इंडियन एविडेंस एक्ट की आवश्यक शर्त है। चौथा पॉइंट है, गवाह द्वारा डिवाइस की पहचान और उसकी कार्यप्रणाली को बताया जाना बहुत जरूरी है। यदि गवाह यह नहीं बताएगा कि उसने सूचना का इस्तेमाल करते हुए कैसे यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनरेट किया तब हम उसको स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं कह सकते हैं। उस डिवाइस में इनपुट कैसे डाला जा रहा था इस बात को इस सर्टिफिकेट में लिखा जाना जरूरी है, इसलिए
डिवाइस की इनपुट फीडिंग पर सवाल किया जाना भी बहुत जरूरी है कि आप डिवाइस में कैसे इनपुट को फीड कर रहे थे और जो वह इनपुट था वह किस प्रकार से आउटपुट में बदल रहा था। पांचवा पॉइंट है, यह भी सर्टिफिकेट में लिखा और बताया जाना चाहिए कि वह डिवाइस ठीक तरह से काम कर रहा था, लेकिन गवाह को कैसे पता लगा कि वह डिवाइस ठीक तरीके से काम कर रहा है। इस बात को लेकर सर्टिफिकेट पैसेट भी दिया गया है, उसकी गहरी पड़ताल की जानी चाहिए, उस पर उचित क्रॉस किया जाना जरूरी है। सातवां पॉइंट, यह बताया जाना जरूरी है कि डिवाइस ठीक ठीक से आउटपुट दे रहा था, लेकिन दूसरी ओर क्रॉस में यह पूछा जाना चाहिए कि गवाह को कैसे पता लगा कि वह डिवाइस ठीक ठीक तरीके से अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहा था। सातवां पॉइंट है, अंत में गवाह को बताना होगा और डिफेंस एडवोकेट को यह क्रॉस में साबित करना होगा कि यह डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरी चीजों से कैसे प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस नए केस अर्जुन पंडित राव खोटकर के अनुसार गवाह को, जो भी गवाह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने के लिए आया है, उसको इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित हर बात को कोर्ट के सामने प्रूव करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि इन पॉइंट्स पर जब आप प्रोसिक्यूशन गवाह को क्रॉस करोगे तो गवाह के पास आपका सामना करने की हिम्मत नहीं होगी, आप केस को अवश्य ही जीतोगे। यह बात बस यह बाकी है कि गवाह से सवाल कैसे पूछे जाएं और गवाह से सवाल पूछने की कला हम आपको अपने वीडियोस में समय समय पर दिखाते रहते हैं, उनको समझ लीजिएगा अलग से। और यहाँ जो हमने आज बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की स्वीकारता का नियम क्या है, इसको समझाया जाना चाहिए अलग से। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वेशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान ना कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।